8 मई 2022, अव्यक्त मुरली का टाइटल है तपस्या ही सबसे बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। ओरिजिनल डेट 31 दिसंबर 1990। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का है। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं। सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के साथ सुन रहे हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं। इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रिस्पोंड भी कर रहे हैं। नए वर्ष की नई उमंग उत्साह की हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा मुबारक हो। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारके हैं। बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार ही बधाइयां हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या? आपके लिए हर समय हर घड़ी विशेष है। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। तो अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारकें लेते हो ना। ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है। मौज ही मौज है ना। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है ना। ऐसे उत्तर देंगे ना। सारे कल्प की मौजे इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों की नॉलेज अभी है, इसलिए मौज भी अभी है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है?
तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग करना नहीं है। तपस्या अर्थात बाप से मौज बनाना। कौन सी मौज? मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति बनने का मौज। तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या एक रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ बोल में मधुरता संतुष्टता सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको ही कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म में स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो, और भविष्य जमा का अनुभव हो। तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है। इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता, इस स्मृति स्वरूप में स्वयं को अनुभव करो। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि हो। हरेक को कुछ न कुछ देना है, लेना नहीं है लेकिन देना है। देने में ही लेना समाया हुआ है, लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है, ऐसा संकल्प हो। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो समझा नए वर्ष में क्या करेंगे? जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना, और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना, और भविष्य का सदा सफलता का
समारोह मनाना। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना। डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं ना, तो मौजों के लिए दो बोल याद रखना, एक डॉट और दूसरा नॉट। नॉट किसको करना है ये तो जानते हो ना, माया को नॉट अलाउ। नॉट करना आता है ना, कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे, डॉट लगा दो तो नॉट अलाउड हो ही जाएगा। डबल नशा है ना, भारतवासी क्या करेंगे। भारत महान देश है यह आजकल का स्लोगन है, और भारत की ही महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई हैं। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं। तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे, बनाएंगे ना। चित्र समाप्त हो चैतन्य, देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो ना। एक तरफ हलचल, दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल। जितनी वहां हलचल उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए सबसे सहज युक्ति है, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब नई बात हो, कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो, और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं लेकिन फुल स्टॉप हो। दुनिया मूंझने वाली और आप बाप की मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे, क्या करें, कैसे करें, और आप सदा मौज में हो। मूंझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना, कभी मौज कभी मूंझना। आप सभी अपना नाम ही कहते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, क्षत्रिय कुमार क्षत्रिय कुमारी तो नहीं कहते ना। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता, वाह बाबा वाह मेरा भाग्य। यह गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं, यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी हैं, और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हो। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे, वाह वाह। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, वो सब वाह वाह, हाय हाय नहीं। हाय ये क्या हो गया, नहीं वाह ऐसे बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो।
यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं, चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया, बलिहारी तो हुई ना, जो मास्टर बन गया आपका। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है, तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ? ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं, ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं, इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी, सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ हैं, देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो, रहो भी और रखो भी। मैं तो सदा खुश रहता हूँ, ये नहीं मैं सबको खुश रखता हूँ यह भी हो, मैं तो खुश रहता हूँ यह भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए, समझा? दूसरा पॉइंट है, विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती हैं, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो? बाप आपका बन गया तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव यह स्मृति में रखो, ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसको देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। तीसरा, अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसा अनुभव करते हो? जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाह अर्थ, चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्य में कार्य करने के पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। सर्व शक्तियां इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन है। सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार होता है, ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में रहें। जितना जितना मास्टर सर्व शक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना सर्व शक्तियां सदा ऑर्डर में रहेंगी। थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगी। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडिएंट होते हैं और कोई थोड़ा ऊपर नीचे करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्व शक्तियां कैसी हैं? ओबीडिएंट हैं या थोड़ी देर के बाद पहुंचती हैं? जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय जितना ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलती हैं, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी आपके ऑर्डर पर चलने वाली हो। चेक करो कि सारे दिन में सर्व शक्तियां ऑर्डर में रही, क्योंकि जब ये सर्व शक्तियां अभी से आपके ऑर्डर पर होंगी तभी अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना। विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है।
जब फॉरेनर्स लकी हैं, तो जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए, चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। यही विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। तो आपके हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही हैं, और आपके चेहरों पर तो जब खुशी की झलक देखते तो खुश खुद ही हो जाते हैं। वो समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी की आकर्षण से और नजदीक लाएंगे। किसी को सुनने का समय नहीं भी हो तो भी सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने होना, तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। चौथा पॉइंट, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहयोगी आत्मा हो। एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप का खजाना है, तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अपना खजाना है तो अपने पर नाज होता है, अपना है और मिला भी किससे है, अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो देगा, अविनाशी ही देगा ना। अविनाशी खजाना का नशा भी अविनाशी होता है। यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि यह नुकसान वाला नशा नहीं है, प्राप्ति कराने वाला नशा है। वह प्राप्तियां गवाने वाले नशे हैं। तो सदा क्या याद रहता, एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी, और एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। विदाई के समय नए वर्ष के शुभ आरंभ की बधाई। चारों ओर के लवली और लकी सभी बच्चों को, विशेष नए उमंग नए उत्साह की हर घड़ी की मुबारक। स्वयं भी डायमंड और जीवन भी डायमंड है, और डायमंड मॉर्निंग इवनिंग डायमंड नाइट सदा रहे। इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य स्थापन करेंगे और राज्य भी करेंगे। अपना राज्य प्यारा लगता है ना, तो अभी जल्दी जल्दी आओ और राज्य करो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, तो अभी फरिश्ता बनो और देवता बनो। चारों ओर के बच्चों को विशेष पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। विदेश वाले चाहे देश वाले, तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और जहां तपस्या है वहां सेवा है ही। सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे, नवीनता के लाइट हाउस बनना। अच्छा, हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे। वरदान, शुभ संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो, और सदा बाप के संग में रहो, तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे।
खुश रहने का सहज साधन है, सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं, इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो। तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। स्लोगन: परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। ओम शांति।